हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई मटन। आज का मटन बनाने का प्रोसेस हम सारा कढ़ाई में ही करेंगे और कढ़ाई में ही आपका मटन बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। कढ़ाई में बनाने से मटन और भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ तेल में 3 तेजपत्ते डाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, और प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 केजी मटन में मैंने लगभग 300 ग्राम प्याज लिए हैं, क्योंकि प्याज ही ज़्यादा रहने से ही आपका ग्रेवी अच्छा बनेगा। तो चलिए इसे हम भून लेते हैं। अब मैं इसमें 3 से 4 हरी कटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ प्याज को गलाने के लिए, ताकि प्याज अच्छे से गल जाए, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसे ढक दूँगी। अब मैं इसका मसाला रेडी करती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे हल्दी ली, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गोलकी पाउडर 1/2 चम्मच, काश्मीरी मिर्च 1 चम्मच के लगभग, तीखी लाल मिर्च 1 चम्मच, मटन मसाला 2 चम्मच। अब मैं इसे पानी डाल के इसे मिला लूँगी अच्छे से। प्याज को हम देखेंगे भुना है कि नहीं। देखिए ये गलने लगा है अच्छे से प्याज भी। अब हम इसे ढक देंगे। देखिए प्याज हमारा अच्छे से बिल्कुल गल चुका है। बिल्कुल अच्छे से हमारा प्याज गल गया। अब मैं इसमें मटन डाल रही हूँ। अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैं यहाँ पहले ही नमक डाल रही हूँ, ताकि मुझे मटन गलाने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पहले ही नमक डाल के इसे भूनूंगी अच्छे से। इसे हम ढक के पकाएंगे और इसका मेन प्रोसेस है, इसे ढक ढक के ही आपको भुनना है, तभी हमारा मटन अच्छे से गलेगा। क्योंकि कढ़ाई में मटन बनाने से बहुत लेट होता है, इसलिए इसे आपको ढक ढक के ही इसे भुनना है, ताकि आपका मटन जल्दी से पके। अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी पत्ता डालूंगी और इसे अच्छे से चला लूंगी और इसे भून लूंगी। अच्छे से चला के हम इसे भून लेंगे। अच्छे से चला के फिर हम इसे ढक देंगे। आपको लो फ्लेम में ही इसे पकाना है। देखिए हमारा मटन लगभग भून चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ
और जो मसाला मैंने बनाया उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़े से पानी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि हमारा मटन अच्छे से पके। अब बिल्कुल आपको इसे लो फ्लेम में ही बनाना है, तभी आपका मटन अच्छे से पकेगा। फिर हम इसे ढक के लो फ्लेम में इसे छोड़ देंगे। देखिए हमारा मटन भुन चुका है अच्छे से। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। और मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। फिर हम इसे ढक के छोड़ देंगे। मसाला हमारा लगभग बिल्कुल भून चुका है। मसाला अच्छे से भून चुका है और इसे हम ढक के थोड़ी देर के लिए फिर पका लेंगे। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए थोड़े से पानी डाल रही हूँ। और इसे ढक के हम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में मैं इसे चलाते रहूँगी। देखिए मटन कितने अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ। और इसे डाल के हम चला लेंगे अच्छे से। और ये हमारा कढ़ाई मटन बिल्कुल बन के रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहें। थैंक यू।